खरगोश और कछुआ की कहानी एक प्रसिद्ध पंचतंत्र की कथा है जो धैर्य और निरंतर प्रयास के महत्व को सिखाती है। कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक घमंडी खरगोश और एक मेहनती कछुआ जंगल में रहते थे। खरगोश अपनी तेज गति के लिए मशहूर था और वह हमेशा अपने धीमे चलने वाले कछुआ मित्र का मजाक उड़ाया करता था। एक दिन कछुए ने खरगोश को दौड़ की चुनौती दी। खरगोश ने यह सोचते हुए चुनौती स्वीकार कर ली कि वह आसानी से जीत जाएगा। दौड़ शुरू हुई और खरगोश बहुत तेजी से दौड़कर कछुए से काफी आगे निकल गया। कछुआ धीरे धीरे अपनी चाल से आगे बढ़ता रहा। रास्ते में खरगोश ने देखा कि कछुआ काफी पीछे रह गया है, तो उसने सोचा कि थोड़ा आराम कर लिया जाए। वह एक पेड़ के नीचे सो गया, सोचते हुए कि कछुआ जब तक पहुंचेगा वह फिर से दौड़कर जीत जाएगा। लेकिन कछुआ बिना रुके बिना थके धीरे धीरे चलता रहा और अंत में खरगोश को सोता हुआ पार कर गया। जब खरगोश की नींद खुली और उसने देखा कि कछुआ लगभग लक्ष्य के पास पहुंच चुका है, तो वह दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कछुआ ने दौड़ जीत ली थी। कहानी से सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमेशा घमंड और आलस्य से दूर रहना चाहिए और निरंतर प्रयास से सफलता प्राप्त की जा सकती है। धीमे और स्थिर चलने वाला अंत में जीतता है।